न्यूज़ को कवर किया है लेट्स सी द क्वेश्चंस। ये क्लास आपकी बिल्कुल रेगुलर हो रही है नाइन ए एम वी आर डूइंग द डेली एम सी क्यू गुड मॉर्निंग एवरीवन। गाइज इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है जो कि हर संडे को सुबह ग्यारह बजे होता है यानी कि आप अगर हर यू पी के कॉम्बेट में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप एक करोड़ तक की जो स्कॉलरशिप है वो विन कर सकते हैं फाइन अब नेक्स्ट जो कॉम्बेट रहेगा वो सेवन मार्च को सुबह ग्यारह होगा इसका जो लिंक है होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो so इसके लिए आपको यूज़ करना है वन एंड ओनली कोड दैट इज़ अ स्टडी आई कोड फाइन आप यहाँ देखें आपको स्कोर लीडर बोर्ड रेटिंग अवार्ड एवरीथिंग विल बी अवेलेबल विद यू अगर आपकी रैंकिंग टॉप थ्री में आती है तो आपको आपकी पसंद का जो भी सब्सक्रिप्शन होगा वो आपको मिल जाएगा टॉप फोर टू टेन के अंदर सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ और इलेवन टू फिफ्टी के अंदर फिफ्टी परसेंट ऑफ एंड फर्दर आपको ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ का जो है सब्सक्रिप्शन में देखने को मिलेगा सिक्सटी मिनट्स के अंदर सिक्सटी क्वेश्चन करने हैं जिसके अंदर आप एक करोड़ की स्कॉलरशिप जो है वो विन कर सकते हो Right. तो चलिए बताइए कौन कौन है क्लास में प्रेजेंट शो योर प्रेजेंस गुड मॉर्निंग रानी राजेश गुड मॉर्निंग एवरी वन तो चलिए करते हैं स्टार्टिंग सब में आप ज्वाइन करने के लिए स्टडी आई एस कोड को यूज कीजिए ताकि आप लोगों को टेन परसेंट का इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाए एंड आपकी पॉकेट सेव हो जाए राइट right? चलिए आज का पहला सवाल है आप ऑल्सो मुझे फॉर्न अकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं आप अंकिता जिंदा सर्च करेंगे तो आपको ऐसी प्रोफाइल दिखेगी और यहाँ पे क्लिक कर लेना ताकि तो हर क्लास की अपडेट्स आप लोगों को मिल जाए आज का पहला सवाल है रिसेंटली फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 ट्वेंटी वन डेमोक्रेसी अंडर द सीज रिपोर्ट हैज बिन पब्लिश फाइन फिलहाल एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर ये बताया गया है कि हमारी कंट्री कितनी डेमोक्रेटिक है और कितनी नहीं है यानी कि हमें कितनी फ्रीडम जो है वो मिला करती है वर्ल्ड 2021 की रिपोर्ट आई है बट आपको ये बताना है कि रिपोर्ट को पब्लिश किसने किया है यू हैव टू नो थिंग ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने यूनेस्को ने यूएस का कोई थिंक टैंक है फ्रीडम हाउस या फिर इनमें से कोई भी नहीं है कोई और है आप लोग बताइए कि वट विल बी द राइट आंसर इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी एक्सप्लेनेशन है आपने इस news को cover किया होगा तो कोई भी explanation है इसके uh, so रिलेटेड ताकि आप confirm हो जाए, की practice करते करते आप श्योर हो यूएस yes, right का थिंक टैंक है फ्रीडम हाउस उन्होंने ही इस रिपोर्ट को रिलीज किया है जिसका नाम है फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट फाइन नॉट इट ट्रांसपेरेंसी जो इंटरनेशनल है वो आपकी करप्शन का जो इंडेक्स होता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जिसे कहते हो वो वाला इंडेक्स रिलीज करता है जिससे ये पता चलता है कि कितनी हमारी कंट्री ट्रांसपेरेंट है ठीक है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ओके आप इसकी रैंकिंग बता सकते हैं कि इसमें हमारी इंडिया की रैंकिंग क्या रही होगी वट इज इंडियाज रैंकिंग इंडिया की इसमें क्या रैंकिंग है आ, इसमें सेवेंटी वन रैंकिंग थी इंडिया की लेकिन अभी सिक्सटी सेवन आ गई है तो कहीं ना कहीं हमारी जो कंट्री है वो बाउंड हो रही है थोड़ा सा डेमोक्रेटिक कम हो रही है हमें जो अधिकार मिल रहे हैं वो कम मिल रहे हैं फाइन तो इसीलिए कंसर्न की बात है इसके अंदर ज़ीरो से लेके कर हंड्रेड तक वन से लेके कर हंड्रेड तक की रेटिंग होती है जितनी दूर आप जाते हो यानी कि आप जितना हंड्रेड की तरफ जाते हो उतना आपकी रैंकिंग जो है वो अच्छी होती है आ, और जितना आप वन की तरफ आते हो उतनी रैंकिंग आपकी बुरी होती है ठीक है नो 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 इट्स नॉट नाइंटी एट इट्स सेवेंटी वन थी लास्ट ईयर अभी सिक्सटी वन हुई है अगर हम यहां पर देखें इंडिया का ड्रॉप हुआ है सिक्सटी सेवन उसके बहुत सारे कारण हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं बहुत सारे जैसे कि अभी आ, इंटरनेट के अधिकार नहीं हमें दिए गए लॉकडाउन हुआ सॉरी फार्मर प्रोटेस्ट हुआ तो लॉकडाउन के उस उस फार्मर प्रोटेस्ट के तहत इंटरनेट बंद कर दिया गया जितने प्रोटेस्ट हुए हैं उसमें सबको बोलने का अधिकार नहीं था तो आर्टिकल 19 का कहीं ना कहीं हमें वायलेशन दिखाई दिया सो इस सबसे कई सारी चीजें हैं जो कि बाउंड हुई हैं तो इसीलिए इसीलिए हमारा रैंक जो है वो गिरता हुआ नजर आया नेक्स्ट है श्रीलंका विल डेवलप द वेस्ट कंटेनर टर्मिनल एट द कोलम्बो पोर्ट अलोंग विद द इंडिया विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री श्रीलंका ने वेस्ट कंटेनर पोर्ट टर्मिनल जो है वो कोलम्बो uh, पोर्ट पे बनाने की बात की है वो डेवलप करने की बात की है इंडिया के साथ और एक और कंट्री है उनके साथ तो वो कौन सी कंट्री है यूके यूएसए जापान या पाकिस्तान तो जल्दी से आंसर कीजिए कौन सी है वो कंट्री विच इज दैट कंट्री नेम द कंट्री ओके एनी अदर बताइए कि कौन श्रीलंका ने फिलहाल बात की है डेवलप करने की तो इंडिया के साथ साथ कौन सी दूसरी कंट्री है जिसके साथ बात की गई है कि वो इसको डेवलप करेंगे जापान, रेट दैट्स अ राइट आंसर इज जापान, बिल्कुल सी इज अ राइट आंसर श्रीलंका डेवलप करने वाला है वेस्ट कंटेनर टर्मिनल एट द कोलम्बो बोर्ड अलोंग विद द इंडिया एंड द जापान. फाइन ये डिसीजन आया है एक महीने के बाद जबकि राजपक्षा की, की गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया था दो पार्टनर को ट्वेंटी से थ्री पार्टीट एग्रीमेंट जो है उन्होंने साइन किया था ज्वाइंटली डेवलप किया था ईस्ट कंटेनर टर्मिनल ठीक है जिसके अंदर वो फॉरन इन्वॉल्वमेंट को मना कर रहे थे ईस्ट कंटेनर uh, ये टर्मिनल था लेकिन अभी एक टर्मिनल बना है वेस्ट कंटेनर टर्मिनल जिसके अंदर फॉरेन जो इंक्लूडमेंट है या फॉरेन कंट्री जो इंक्लूड हुई है ठीक वो, वो है मानस टाइगर रिजर्व इन असम गाइस बफरिंग हो रही है क्या जस्ट एक मिनट रुके चलिए इज परफेक्ट नाउ एंड बताइए इसका क्या सही जवाब होगा हिमालयन सैरो से रिलेटेड क्या ये नियर थ्रेटन है आईयूसीएन के अंदर क्या ये साइट अपेंडिक्स टू के अंदर इंक्लूड करता है क्या ये स्पोर्ट हुआ है असम मानस के जो असम टाइगर रिजर्व है वहां पर असम के अंदर वन एंड थ्री विल बी राइट आंसर थ्री ओनली वन एंड टू या फिर टू एंड थ्री ओनली प्लीज आंसर ओके यू आर सेइंग सेंग्री ए और बी किरण प्लीज अब बी ओके आप बी कहना चाह रहे हो ठीक है ए और बी एनी अदर इंश्योर करिए कि आप सब जो है इसमें आंसर्स करेंगे ए बी ए चलिए इस राइट आंसर इज ए ए इज द राइट आंसर क्योंकि जो हिमालयन सेरो है पहली बात ये आप सबको पता है कि असम के मानस टाइगर रिजर्व से इसको स्पोर्ट किया गया है फाइन भूटान और मानस का जो बॉर्डर है मानस बंसबरी मथन मत, गुड़ी जो फॉरेस्ट के नाम से है उसके अंदर इसको बोला गया है फाइन इस आ, नियर थ्रेटन है इसका स्टेटस अभी इसके लिए अपडेट हुई है नियर थ्रेटन इसका स्टेटस मिला है ऑल हमने इसके लिए कल वल्नरेबल ही पढ़ा था ठीक uh, है हिमालयन सैरो एक सब स्पीसीज ऑफ द मेन लैंड सैरो नेटिव जो हिमालय को नेटिव है गाइज मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ नेटिव आई एम नॉट सेंग एंडेमिक नेटिव और एंडेमिक में फ़र्क होता है नेटिव और एंडेमिक में फ़र्क होता है क्या फ़र्क होता है वट आर द चेंजेस बिटवीन द नेटिव एंड एंडेमिक बताइए अपियरेंस ऑफ ए गोट विद ए लॉन्ग डंकी लाइक इतने फोर गोट की तरीके से गोट का मिश्रण सही होता है ठीक है साइट की अपेंडिक्स वन में इंक्लूड होता है तो साइट की अगर अपेंडिक्स वन में इंक्लूड होता है तो क्या इसको एटमोस्ट प्रोटेक्शन मिलती है क्या क्या इसको एटमोस्ट प्रोटेक्शन मिलती है क्या बिल्कुल अगर स्पीसीज अपेंडिक्स वन में इंक्लूड रहती हैं तो उसकी प्रोटेक्शन ज्यादा हो जाती है ठीक है मूविंग अहेड इससे पहले आपके लिए असम क्यों इंपॉर्टेंट था हाँ एक्चुअली मैंने भी देखा कि कल जो था वालेबल uh, था बट आज जब मैंने सर्च किया उसके बारे में तो उसका स्टेटस नियर थ्रेटन मिला सो आई ऑल्सो कन्फ्यूज बट आई हैव टू इन्फॉर्म यू एज वेल ठीक है <laughs> असम के अंदर इससे पहले हमने देखा था फेब्रवरी 21 के अंदर एक बर्ड मिली थी एक बर्ड मिली थी एक डक मिली थी डक का नाम कोई बताएगा कहां पर मिली थी वो डक गुड मॉर्निंग बर्डर्स हैड साइटेड द कलरफुल मैंडरिन डक इन द मागुरी मोटरपंग जो वेटलैंड थी ईस्टर्न असम डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क के पास मिली थी डिब्रूसाइकोवा नेशनल पार्क कहाँ है मानस असम में इसकी लोकेशन एंट्री करते हैं मिड में है या फिर एंड में है डिब्रूसाइकोवा नेशनल पार्क जैसे ही आप असम के अंदर एंट्री करते हो यहाँ पर है आपका अरुणाचल से एंट्री करते हो एंट्री पॉइंट पर ही आपका कौन सा पार्क है डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क है फाइन वहां पर एक डक मिली थी याद करिए जो कि बाहर से आई थी मंगोलिया की तरफ से आई थी मैं डक जो कि सबसे सुंदर थी बहुत सुंदर थी हाँ वो कलरफुल वाली राइट 118 साल के बाद वो जो डक थी वो स्पोर्ट की गई थी 118 साल के बाद तो उसके बाद 120 समथिंग सालों के बाद हाँ ब्रह्मपुत्रा की एंट्री होते पे बिल्कुल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद द कंटेक्सट ऑफ नेगेव लाइट मशीन गन्स विच इज द ट्रू अबाउट इट कौन सा स्टेटमेंट सही रह जाएगा इट वॉज डेवलप बाय द रशिया द कॉन्ट्रेक्टेड नेगेव सेवन पॉइंट सिक्स टू फाइव वन एम एम ये गलत नहीं है इसको फोकस मत करना एल एम जी इज ए कॉम्बेट प्रूवन वेपन एंड करंटली यूज बाय द सेवरल कंट्रीज अराउंड द ग्लोब वन टू बोथ नन विल बी द राइट वन किरण एंड वीरेंदर गाइज आप लोग ये बताइए प्लीज कि आप लोगों का टारगेट ईयर क्या है एंड योर मीडियम टारगेट ईयर एंड टारगेट मीडियम प्लीज एंड टेल मी ये जो नेगेव लाइट मशीन है गन सेलम जी है वो उससे रिलेटेड ट्रू स्टेटमेंट क्या रहती है बी डेवलपमेंट बाय इसराइल ओके Great. पता हुँ? जल्दी बताइए चलिए हिंदी है ओके okay. सोगाइज so आप लोगों के लिए हिंदी मीडियम मैंने बाइलिंगल कर दिया है तो आप हिंदी में भी इन्हें रीड कर लो कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी फाइन चलो आर्मी बी आ राइट आंसर इसराइल के द्वारा ही किया गया है नेगे जो आ, मशीन गन्स एल एम जी है आर्मी विल बिगिन इंडक्टिंग फर्स्ट लॉट ऑफ सिक्स थाउजेंड न्यू लाइट मशीन गन्स जो कि इसराइल से हम इसे लेने वाले हैं एंड ये जो पार्ट होगा मार्च 2020 के अंदर अंडर द फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट टू मीट द इमीडिएट रिक्वायरमेंट फाइन एल एम जी विल ग्रेटली एनहेंस दिथेलिटी एन रेंज ऑफ सोल्जर जो यूज वेपन होते हैं उसकी भी एक चीज को इंक्रीज करेगा ट्वेंटी वन है सो गाइज किरण ट्वेंटी टू चलिए आप लोग रेगुलर रखिए आपकी जो ये क्लासेस हो रही है जितने भी क्लास में ले रही हूँ वो सब मैं bilingual करवा रही हूँ सो so आपको लैंग्वेज बैरियर तो होने से रहा एंड ट्वेंटी वन के लिए स्पेशली ये क्लास है नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलहाल वर्ल्ड हियरिंग डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड हियरिंग डे आप लोगों ने सुना भी होगा जो कि पहली बार सेलिब्रेट हुआ है पहली बार इसकी जो रिपोर्ट है वो रिलीज हुई है फाइन तो आप मुझे ये बताइए कि इससे रिलेटेड जो है वो कौन सा स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है इट इज डेवलप बाय द वर्ल्ड बैंक ईच ईयर टू रेज अवेयरनेस ऑन हाउ टू प्रिवेंट डीफनेस एंड हियरिंग लॉस एंड प्रमोट ईयर एंड हियरिंग केयर अक्रॉस द वर्ल्ड थीम जो रहेगी इस साल की आ, वो है हियरिंग केयर फॉर ऑल स्क्रीन रिहेबिलिटेट और कम्युनिकेट की कौन सा सही स्टेटमेंट होगा प्लीज आंसर वर्ल्ड हियरिंग डे जो कि सबसे पहली बार बनाया जा रहा है रीजन क्या है वाई यू थिंक दैट इट इज अ रोंग और वाई यू थिंक दैट इट इज अ ट्रू प्लीज शेयर द रीजन एज वेल ओके नरेंद्र सेट इज बी एंड दैट्स डब्ल्यू एच ओ किरण ऑल्सो से थ्री श्राइन एनी अदर प्रिंस योर आंसर मैं वही कह रही हूं कि पहली बार स्टार्ट हुआ है पहली बार फर्स्ट ईयर और आगे ना ईच ईयर का मतलब है कि हर साल होगा स दैट इज अ डब्ल्यू एच ओ एक बात बताइए एक बात बताइए कि वर्ल्ड बैंक का क्या काम है हीयरिंग से रिलेटेड इज दर एनी वर्क विद द वर्ल्ड बैंक नॉट नो दैट इज ऑफ डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसके लिए वर्क करेगी फाइन सो आप लोग इसके लिए कैसे रह गए दैट्स नॉट द वर्ल्ड बैंक दैट्स अ डब्ल्यू एच ओ ताकि क्या होगी जो डीफनेस से रिलेटेड है उसको हम प्रिवेंट कर सकेंगे उससे रिलेटेड जो भी अवेयरनेस है लोगों के मन लोगों के पास तक इसे पहुंचा सकेंगे प्रमोट करेंगे ईयर एंड हीरिंग केयर अक्रॉस द वर्ल्ड और जो इस साल का थीम रहा है वो है हीरिंग केयर फॉर ऑल स्क्रीन रिहेबिलिटेट और कम्युनिकेट फाइन तो ये थीम रहा है थर्ड मार्च को होता है ये ताकि अवेयरनेस को फैलाया जाए एंड वर्ल्ड हियरिंग डे 21 विल मार्क द लॉन्च ऑफ द फर्स्ट एवर वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन द हियरिंग दैट इज डन बाय द डब्ल्यू एच ओके मूविंग अहेड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द राइट टू एजुकेशन ये चीज अभी न्यूज में है ये बताइए राइट टू तो एजुकेशन अपने पास क्या क्या है मतलब फंडामेंटल है डीपीएसपी है ड्यूटी है यह सब कुछ है पहले तो इसका जवाब दीजिए पहले तो इसका हियरिंग <laughs> के बारे में ही नहीं आपने हियर किया है जो राइट टू एजुकेशन है क्या इस फंडामेंटल राइट right के अंदर मेंशन है क्या डीपीएसपी के अंदर है क्या ड्यूटी के अंदर है क्या या फिर सब के अंदर है चलो अब आंसर करिए क्वेश्चन को कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द राइट टू एजुकेशन आर्टिकल फोर्टी फाइव और थर्टी नाइन एफ कहता है डी पी एस पी का कि भाई एक्सेसिबल एजुकेशन कि स्टेट फंड करेगा इक्विटेबल और एक्सेसिबल जो एजुकेशन है वो सबको मिलेगी फाइन एटी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 22 में 2002 के अंदर उसने बोला कि राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट right है इन द पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल अराउंड बिल्कुल सही है तीनों के अंदर है ठीक है करेक्ट आंसर दीजिए वन टू बोथ नन विल बी द राइट वन डू फास्ट ओके इट्स बी मेनी अदर गाइज आप सब लोग जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाती है दिल्ली फिलहाल दिल्ली के हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा है कि भाई जो पटिशन आई है अथॉरिटीज के खिलाफ आप उसको उसको रिस्पोंड करिए फॉर नॉट डिसाइडिंग अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ फ्री एजुकेशन अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट ठीक है आर एक्ट के थ्रू आर एक्ट जो बच्चों के लिए है जो कि वीकर सेक्शन के बच्चे हैं बियॉन्ड द बियोन्ड क्लास एंड अप टू द क्लास ऑफ ट्वेल्थ इन द स्कूल उसके लिए बात की गई है दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई आप एक बार इसके ऊपर चर्चा करो कि आर एक्ट क्या कहता है और आप इन बच्चों को क्यों नहीं दे रहे हो ठीक है आप एक्सटेंड क्यों नहीं कर रहे हो फिर इसके लिए बात हुई कि भाई आपके पार्ट फोर जिसके अंदर आप डी पी रखते हो तो डी में आर्टिकल 45 और आर्टिकल 39 में ये, में ये मेंशन है कि दैट हैज़ अ प्रोविजन फॉर द स्टेट फंडेड एंड इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल एजुकेशन की बात वहां पर की गई है फाइन इज दैट क्लियर रिफ्रेश करो अब प्रॉपर है रिफ्रेश तापस मजूमदार जो कमेटी आई 1999 के अंदर उसने भी सेटअप किया विच इन कम पास इन जर्जन ऑफ आर्टिकल 21 वन उसने बोला कि हमें आर्टिकल 21 वन ए जो है वो इसके अंदर इंक्लूड कर देना चाहिए इंसर्ट कर देना चाहिए सो दैट सो दैट कि हमें एज, एजुकेशन का एक फंडामेंटल राइट मिल जाए फंडामेंटल राइट मिल जाए राइट एटी सिक्स अमेंडमेंट के अंदर लेकर आया गया फंडामेंटल राइट right को पार्ट थर्ड के अंदर आर्टिकल ट्वेंटी वन के अंदर इस चीज़ को इंक्लूड कर दिया गया कि भाई छह से चौदह साल के बच्चे जो है वो एजुकेशन ले सकेंगे ठीक है अब आप मुझे ये चीज का जवाब दो गिव मी आंसर कि अगर जब वो चीज़ ऑलरेडी डी में मैंशन थी ऑलरेडी वेन इट वॉज द मैंशन इन द डी पी एस पी देन वट वॉज द नीड टू कमिट द फंडामेंटल राइट वट वॉज द नीड क्या नीड पड़ गई थी ऐसे की जब डीपीएसपी में वो चीज इंक्लूड थी ऑलरेडी देन वाई वी शुड इंक्लूड इन टू द फंडामेंटल राइट बताइए हमें क्या जरूरत आन पड़ी ऐसे की हम उसे फंडामेंटल राइट right के अंदर इंक्लूड करने लग गए ऑलरेडी डीपीएसपी में थी आपकी फंडामेंटल ड्यूटी में भी ये चीज मैंशन थी देन वाई गुड मॉर्निंग टीपू वेरी गुड क्यों ऐसा था क्योंकि डी के लिए भाई आप कोर्ट नहीं जा सकते हो ठीक है अगर वायलेशन होता है एजुकेशन का सो यू कुड नॉट गो टू द कोर्ट बट इन द केस ऑफ फंडामेंटल राइट डायरेक्टली एनफोर्सिएबल है आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को बोल सकते हो भाई मुझे स्कूल में नहीं बिठाया जा रहा मुझे नहीं पढ़ा रहे हैं वो लोग ठीक है सो वो चीज डायरेक्टली एनफोर्सिएबल है यू कैन गोट टू द डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नॉट बाय वे ऑफ द अपील ठीक है ये चीज थी मेन जो आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझना है ओके चलिए मूविंग नेक्स्ट एट द नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ अगर अभी क्योंकि आर टी न्यूज में आया है आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भाई तापस मजूमदार जो कमेटी है वो किस चीज से रिलेट करती है तो आपको बोलना होगा कि एजुकेशन से रिलेट करती है फाइन हाँ एवरी वन यू आर ट्रू एवरी वन सही हो आप लोग सेलेक्ट द राइट आंसर अबाउट द साइट कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा इसकी पूरे नाम पर ही जाकर आप आंसर करना इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन अंडर इस यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम साइट इज लीगली बाइंडिंग ऑन द मेम्बर नेशन इंडिया इज ए में प्लीज आंसर करेक्ट वन वन टू टू थ्री थ्री ओनली या फिर ओला ट्रू बताइए वट वि क्या सही होगा आपका साइट से रिलेटेड आंसर क्या ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा एडमिनिस्ट्रेड होती है अंडर द एन के प्रोग्राम के तहत क्या साइट जो है वो लीगली बाइंड करता है मेंबर नेशंस को क्या एक इंडिया मेंबर है साइट का यू आर सिंह बी ओ डी ओके बी ओ डी यू आर सिंह बेसिकली एनी अदर चलिए बिल्कुल right बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है, है. के बारे में आप बहुत बार पढ़ भी चुके हैं. तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि रेगुलेट करता है वर्ल्ड वाइड कमर्शियल ट्रेड को रेगुलेट करता है वर्ल्ड लेवल पर कमर्शियल ट्रेड को इन वाइल्ड एनिमल और प्लांट स्पीसी याद रखना एनिमल और प्लांट स्पीसी दोनों के अंदर ये ट्रेडिंग करता है यानी कि फ्लोरा और फोना दोनों के लिए ये बात करता है फाइन अगर कोई ट्रेडिंग होती है ना तो उस चीज को भी मना करता है मेड फ्रॉम सच प्लांट एंड एनिमल सच एज फूड क्लोथिंग मेडिसिन एंड एटसेट्रा फिलहाल ही थर्ड मार्च 1973 को साइन uh, किया गया था एडमिनिस्टर किया जाता है यूएनईपी के द्वारा सेक्रेटरीट जेनेवा के अंदर है लीगली बाइंडिंग है ये लाइन आपके प्रेलम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो साइट है उसकी गाइडलाइंस लीगली बाइंड कर देती है इंसान मेंबर पार्टीज को नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द लेक नेट्रन एक लेक नेट्रन है जो कि अभी न्यूज़ में रही है तो उसके पर्पज से रिलेटेड बताइए कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही होगा इट इज ए फ्रेश वाटर लेक इन अ तानजीनिया इंक्लूडेड इन द रामसा लिस्ट ऑफ द वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस द लेक वॉर्म वाटर इज एन आइडियल ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द रिफ्ट वैली फ्लेमिंग करेक्ट आंसर टू एंड थ्री वन एंड थ्री थ्री ओनली या फिर थर्ड सॉरी ऑल आर ट्रू ओनली बताइए एक बार क्या होगा आप लोगों का सही जवाब येस हेडक्वार्टर इन द जेनेवा ओके यू आर सेइंग डी डी और सी फाइन किरण वाई यू थिंक सी इज द राइट आंसर वाई यू थिंक मतलब आपको गलती क्या लगी वो बताइए भाई गलती क्या लगी ओके डी चलिए लेक नेट्रन सी इज द राइट आंसर ओब्वियसली एक ये फ्रेश वाटर लेक नहीं है दैट्स अ सोल्ट लेक सोल्ट लेक है नमकीन लेक है ये एंड अरुषा रीजन है तांजीनिया के अंदर वहां पर ये लेक आपको मिलती है रामसर में इंक्लूड करती है इसका जो इवोपोरेशन लेवल है वो काफी उच, काफी हाई है जिसकी वजह से ये सोडियम कार्बोनेट डीहाइड्रेट जो है वो पीछे छोड़ देती है बेड पर यानी कि जो नीचे का सी बेड होता है उस पर ये आ, सोडियम डी कार्बोनेट को रिलीव करके आ, जो सोल्ट लेक है वो इवोपोरेट हो जाती है तांजेनिया कहाँ पर है तांजेनिया तो पता होगा आप लोगों को वेर इट इज कॉन्टिनेंट के अंदर आप तांजेनिया को देखते हो लेक का वार्म वाटर इज एन आइडियल ब्रीडिंग ग्राउंड है फॉर द रिफ्ट वैली फ्लेमिंगोस जो आती हैं उनके लिए वो एक अच्छा ग्राउंड है आइडियल ब्रीडिंग ग्राउंड है ठीक है सो प्लीज आंसर की तानजीनिया कहाँ पर है अफ्रीका में हां दैट्स राइट आंसर इज अफ्रीका इंक्लूडिंग इन द रामसर ऑफ वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हाँ बिल्कुल बिल्कुल ए इज़ सेकेंड इज़ द राइट आंसर तो उस केस में आपका ए विल बी राइट आंसर ऑप्शन में प्रॉब्लम है ए इज़ द राइट आंसर बिल्कुल अफ्रीका के अंदर है अगर आप यहाँ पर देखें कीनिया से नीचे चलते ही आपका तांजेनिया आता है और यहाँ जो आप ब्लू कलर देख रहे हो दैट्स राइट आंसर इज़ आपकी लेक नेटरन है जो कि यहाँ पर ये ही तांजेनिया है सारा इसके अंदर आपकी लेक नेटरन जो है वो आती है ठीक है ज़ारो वहीं पर ही है क्लिम ज़ारो वहीं पर ही है चलिए अभी तक के क्वेश्चन में किसी को भी डाउट है तो जल्दी से बताओ अभी के लिए एनी वन हैज एनी डाउट जिसने अभी तक लाइक like नहीं किया है डू लाइक द क्लास ऑल्सो गाइज लाइक भी कर दीजिए नेक्स्ट मूव करते हैं <laughs> अपने देश के तो बहुत आसान है क्या हुआ है हमने सेलेक्ट राइट आंसर अबाउट कर्नाटका इंजीनियरिंग रिसर्च पॉलिसी इससे रिलेटेड बताओ कौन सा सही है ये हमने आ, गैस, अगर आप लोग न्यू हैं तो अन अकेडमी पर हम एट फिफ्टीन डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं जो भी डेली हिंदू आता है उसको ही हम एनालाइज करते हैं फाइन सो अगर आप चाहें तो आप उस क्लास को ज्वाइन करिए वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और इन क्वेश्चन को अच्छे से आप आंसर्स कर पाएंगे फाइन फ़िलहाल के लिए बताओ कि कर्नाटक की इंजीनियरिंग रिसर्च पॉलिसी आई है वो क्या बात करती है कि क्या ये पॉलिसी जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी सेक्टर को इन द कंट्री टू 45 परसेंट इन द नेक्स्ट अपकमिंग फाइव इयर्स अगले जो आने वाले पाँच साल है उसके अंदर ये कंट्री को कंट्रीब्यूट करेगी 45 परसेंट ये जो नई पॉलिसी आई है बेसिकली ये काम करेगी डिवाइस पर सेक्टर लाइक एरोस्पेस डिफेंस ऑटो ऑटो कंपोनेंट, ईवी बायोटेक्नोलॉजी, फार्मा मेडिकल डिवाइस ओनली करेक्ट आंसर वन टू बोथ नन बताइए कौन सा होगा क्या होगा ये जवाब इसका वट विल बी द राइट आंसर C, C you are saying, okay, fine. चलो इस राइट आंसर इज ए ए पहली बात अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में दिखता है तो 45% परसेंट जो चीज होगी वो आपको गलत नहीं मिलेगी मोस्टली केसेस में गली गलत नहीं मिलेगी सेकेंड इंपॉर्टेंट बात ए तो आपका सही है लेकिन नहीं. सेकेंड पॉलिसी फाइव की फोकस एरिया पे काम जरूर करेगी लेकिन ओनली वर्ड गलत हो गया ओनली वर्ड जो इसने बोल दिया ना कि ओनली सिर्फ यही पांच प्रोडक्ट हैं आ, वो चीज़ गलत हो गया फाइव की फोकस इस राइट आंसर इज ए देखो अभी यहां पर अच्छे से कि कितने हुए हैं एरोस्पेस एंड डिफेंस एक ऑटो ऑटो कंपोनेंट ईवी दो बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मा मेडिकल डिवाइस तीन सिर्फ तीन ही एरियाज हुए हैं एंड नाउ टू द फाइव एरियाज इसको करने हैं तो अभी तीन ही हुए हैं फाइन फाइव ईयर्स बिल्कुल सही है कर्नाटक की बेसिकली जो इंजीनियरिंग रिसर्च पॉलिसी आई है जिसके अंदर आर एन डी का एक बड़ा हिस्सा रहेगा उन्होंने सोचा है कि वो 45 परसेंट को इंक्रीज करेंगे इस सेक्टर के अंदर साथ के साथ इससे जो होगी वो आपका एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है वो भी बढ़ेगा एक बार बताइए अगर एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ता है तो उससे आप क्या क्या चीज़ें कनेक्ट कर पाएंगे अगर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होता है सो वट विल हैपन विद दैट क्या होगा उसके बाद आपकी जीडीपी जो है वो इंक्रीज करेगी राइट right? जो क्राइम रेट होगा वो कम करेगा फाइन। एंड जो आपका इनकम होगी पर कैपिटा जो इनकम होगी वो भी इंक्रीज होगी तो कई सारी चीजें हैं जो इससे रिलेट कर सकते हो इंडस्ट्री की एपेक्स बॉडी है नैसकम और ईआरडी के पास ये पोटेंशियल है कि वो हंड्रेड बिलियन <laughs> वो हंड्रेड बिलियन जो है ई आर डी सेक्टर इन द कंट्री इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है विद स्केगर ऑफ ट्वेल्व पॉइंट एट परसेंट इसके अलावा जो ग्लोबल रिसर्च इंजीनियरिंग रिसर्च की बात करें तो वो टू ट्रिलियन डॉलर बाय ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव तक वो ग्रोथ कर सकेंगे तो आप लोगों को देखना चाहिए ना कि वो बेशक इतना लिखा है तो क्या हुआ पढ़ो इसको ये ये किस चीज़ के लिए है ये क्या है एम ही अच्छे लगने के लिए <laughs> चलिए न्यू पॉलिसी फाइव के एरिया कौन कौन से हैं एरोस्पेस और डिफेंस है इट्स वन ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट एंड ई वी इट्स टू एंड बायोटेक्नोलॉजी फार्मा मेडिकल डिवाइस इज थ्री सेमी कंडक्टर टेलीकॉम एंड ई एस डी एम इज फोर एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज फाइव ठीक है चलिए नेक्स्ट है आपके से क्वेश्चन से सेलेक्ट द राइट आंसर अबाउट द गोलन गोलन हाइट हाइट ऑफ 1800 किलोमीटर ऑन द बॉर्डर बिटवीन द इजराइल और सीरिया इन साउथ वेस्टर्न सीरिया इट मेक्स बाउंड्री विद द इजराइल सीरिया ओनली करेक्ट आंसर वन टू बोथ नन डू द फास्ट डू फास्ट बताइए जल्दी से क्या सही जवाब होगा गोलन हाइट कहां है येस यूपीएससी नोटिफिकेशन इज आउट एंड सेवन वन टू आर द सीट लास्ट अपडेट इज ट्वेंटी फोर मार्च सो डू फास्ट सी पक्का है आर यू श्योर नाउ ओके okay, चलो इस गलत है ए इज द राइट आंसर ए इज द राइट आंसर ए विल बी राइट आंसर सा इसने बोला है कि इट मेक्स बाउंड्री विद इजराइल और सीरिया ओनली नहीं भाई पीछे से ये भी आता है लेट्स सी इन द मैप ये देखिए दिस इज द इजराइल ये इजराइल है ये आपका इधर ये वाला जो एरिया जहां मैंने रेड पान मार्क किया हुआ है दिस इज आपका सीरिया जो ये आपको येलो कलर में दिख रहा है दैट इज अ गोल्डन हाइट एंड ये आप अब देख लो कि ये इसराइल से तो बाउंड्री बना रहा है सीरिया से बना रहा है लेकिन पीछे ये जॉर्डन से भी बना रहा है फाइन हाँ जॉर्डन विल बी राइट मतलब जॉर्डन के साथ भी जो है बाउंड्री बनाएगा फाइन सो so, तीन स्टेटमेंट इसकी तीनों कंट्री जो है वो इसे बाउंड्री बनाते हैं ओनली वर्ड है ना तो रुको तो सही दो मिनट के लिए गोलन हाइट एक रॉकी प्लेट्यू है ऑन द बॉर्डर इसराइल और सीरिया के बॉर्डर पे साउथ वेस्टर्न सीरिया में एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जिसके ऊपर वॉर भी छिड़ी हुई है इसराइल ने कैप्चर कर लिया था इसको सीरिया से 1971 की वो सेवनटी सिक्सटी uh, की वॉर में इसराइल ने एनेक्स किया था टेरिटरी को 1981 के अंदर फिलहाल यूएसए ने रिकेकोगनाइज किया है जेरूसलम और गोलन हाइट को कि भाई ये दो, दोनों जो है वो इसराइल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ओके क्वेश्चन क्लियर है सबको नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फ्रीडम इन द वर्ल्ड 21 रिपोर्ट वो जो रिपोर्ट आई थी फ्रीडम इन द वर्ल्ड ये बताइए किसने रिलीज किया था इस रिपोर्ट को हु रिलीज दैट फ्रीडम के बारे में जो बात करता है वो जो बात करता है डेमोक्रेसी के बारे में हु रिलीज रिपोर्ट। नोटिफिकेशन आ गया ना तो आपके क्वेश्चंस क्वेश्चन भी जो है लेवल के हो जाएंगे डोंट वरी क्वेश्चन विल बी ऑन लेवल ओके इट्स वन फाइन वन एंड थ्री वन एंड थ्री ओके चलिए अदर फ्रीडम इन वर्ल्ड रिपोर्ट को किसने निकाला था किसने रिलीज किया था यूएस के थिंक टैंक फ्रीडम हाउस ग्रेट अंकित और नरेंद्र ग्रेट फ्रीडम इन वर्ल्ड रिपोर्ट को यूएस का थिंक टैंक था वर्ल्ड फ्रीडम इन हाउस उसने इसको रिलीज़ किया था साथ ही साथ ये जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर हमारे जो रैंकिंग थी वो 67 थी एंड इट्स राइट आंसर इज बी टू एंड थ्री ओनली बी द राइट आंसर क्योंकि मोस्ट जो फ्री कंट्रीज आई है वर्ल्ड के अंदर जिनकी स्कोरिंग हंड्रेड रही है वो uh, वो स्कॉटलैंड नहीं है वो नॉर्वे और स्वेडन जरूर है बट वो स्कॉटलैंड नहीं है इसकी जगह आप देखेंगे कि आपका फिनलैंड जो कंट्री है वो टॉप हंड्रेड के अंदर आता है सबसे जो टॉप हंड्रेड पर है वो है आपका क्या कहते हैं कि जो अभी आप कर रहे हो टॉप हंड्रेड के अंदर आते हैं अब ये बताइए कि अगर हंड्रेड है तो मतलब अच्छा है वो कंट्री बाउंड नहीं है फ्री है या फिर बाउंड है अगर वो हंड्रेड रैंक है तो फ्री है कि बाउंड है और अगर हम सबसे नीचे की तरफ देखें तो वो हमें सबसे लिस्ट को जो है दिखेगा वो टिबेट का और सीरिया का जो है दिखेगा पॉइंटिंग टू अ डिक्लाइन इन द ग्लोबल डेमोक्रेसी ओवर लास्ट फिफ्टीन ईयर रिपोर्ट ने बता दिया कि 75% फाइव परसेंट जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो एक कंट्री में जो रह रही है वो डिटेरोरेशन को फेस कर रही है पिछले एक साल से यानी कि डिटेरेशन यानी कि डिटेरेशन का मतलब है कि वो उस पर काफी दबाव प्रेशराइज जो है वो करा जा रहा है हाँ दैट इज फ्री अगर वो हंड्रेड में है तो वो बिल्कुल फ्री है बेसिकली इस रिपोर्ट के अंदर तीन लेवल पर रिपोर्ट रिलीज करी गई है हाँ वन इज नॉट वन इज नॉट बी टू एंड थर्ड सेकेंड एंड थर्ड इज द राइट स्टेटमेंट ना स्कॉटलैंड की जगह फिनलैंड था स्कॉटलैंड की जगह फिनलैंड आया था फाइन कंट्रीज आर डिक्लेयर्ड एज फ्री पार्टली फ्री और नॉट फ्री तीन एरिया के अंदर कंट्री को डिक्लेयर करा गया है फ्री पार्टली फ्री और आपका जो है नॉट फ्री के रैंक पे इंडिया का स्कोर 67 रहा है जिसमें अभी हम थोड़ा सा बेस गिरे हैं इंडिया का अगर हम वो देखें रैंकिंग तो 71 से 67 हुआ है बाकी भूटान का इंप्रूव हुआ है बाकी ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ का जो है वो सेम ही आपको नज़र आता हुआ आया है ठीक है इज नॉट बट उसकी रैंकिंग जो है इन्होंने स्पेशली दिखाई है कि भाई क्या है इसकी रैंकिंग क्योंकि तिब्बत के अंदर काफी ज्यादा प्रेशराइजेशन जो है वो होता है तो इसको रैंकिंग के अंदर दिखाया है ठीक है चलिए नेक्स्ट है आप लोगों के सामने सेलेक्ट द राइट आंसर अबाउट द नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है कल की जो हमने इंदो निस की क्लास ली थी तब मैंने इसको पूरा डिटेल में आपको सारा समझाया हुआ है साइबर सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट पूरा एक बहुत बड़ा आर्टिकल था उसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया तो आप एक बार क्लास जरूर देख लेना हाँ हाँ चाइना की और उसमें आती है ओके सो so, ये स्ट्रेटेजी 2020 में क्या बात हुई है वो बताइए इट इंप्रूव साइबर अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी थ्रू मोस्ट एजेंट ऑडिट दे विल बी अ टॉप टेबल टॉप साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट एक्सरसाइज रेगुलरली टू री इन्फोर्स द आइडिया टू री इन्फोर्स द आइडिया दैट साइबर अटैक कैन टेक प्लेस रेगुलरली इन करेक्ट आंसर बताइए वन टू बोथ नन वट विल बी द राइट वन जल्दी बताओ आंसर क्या सही होगा क्या सही होगा जवाब ओके इनकरेक्ट नन फाइन तो अभी आप लोग ध्यान देने लग गए ना राइट और रोंग के पर चलिए इस राइट आंसर इज डी नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2020 जो रिलीज की गई है बेसिकली साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात की गई है फाइन आप लोग ये बताइए अगर आप साइबर ऑफिसर बनते हैं अगर आपके एरिया के अंदर साइबर अटैक बढ़ रहे हैं अगर आप डीएम हो मान लो डीएम बन गए ठीक है तो आपके एरिया में डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफी ज्यादा अगर साइबर अटैक्स इंक्रीज हो रहे हैं सो व्हाट यू विल डू व्हाट यू विल डू साइबर अटैक्स इंक्रीज हुए हैं बताओ एक बार कि आप लोग क्या करेंगे ठीक है अभी इस स्ट्रेटेजी uh, को लेकर इसलिए आया गया है ताकि हम साइबर से रिलेटेड जो है अवेयरनेस लोगों के अंदर फैला सके जागरूकता साइबर सिक्योरिटी की बात कर सके मोस्ट चेंजेंड ऑडिट हो ताकि पता चलता रहे कि क्या सिचुएशन चल रही है एंड पेन साइबर ऑडिटर विल लुक मोर केयरफुली एट द सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सबकी जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो सब इससे डिस्कस करे जाएंगे टेबल टॉप क्राइसिस मैनेजमेंट एक्सरसाइज हो यानी कि जो टॉप की मैनेजमेंट हो उसके साथ मिलकर अच्छे से रेगुलरली जो है मैनेजमेंट करेंगे साइकबर अटैक कैन प्लेस रेगुलरली इट दस कॉल फॉर इंडेक्स ऑफ साइबर प्रिपेयरनेस अटेंडेंट मॉनिटरिंग ऑफ द परफॉर्मेंस और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि आप इस चीज़ के अंदर कनेक्ट uh, करोगे जैसे एक नया बजट बनाने की भी बात की गई है फिलहाल साइबर सेपरेट बजट जो है वो साइबर सिक्योरिटी के लिए तैयार करा जाएगा सिनाजाइज द रोल एंड फंक्शन ऑफ वेरियस एजेंसी एंड रिक्वेजेशन ऑफ द डोमेन नॉलेज ठीक है <coughs> साथ ही साथ आप जो है लोगों को ये बताएंगे कि भाई साइबर से रिलेटेड आपको रिपोर्ट्स दर्ज करवानी है टच करवानी है उससे जो लोग हैं जो साइबर अटैक कर रहे होते हैं उनको कैच, अप कर, कैच करा जाएगा लोगों के साथ मिलके उन एक्चुअली में केस को सॉल्व करना भी चाहिए अगर आप ऐसे ही करते हो उनकी उनके प्रति विश्वास दिखाते हो तो अगर किसी के साथ ऐसा फ्रॉड होता है तो डेफिनेटली वो भी इससे रिलेटेड बात करेंगे ठीक है चलिए एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन कर लें समझ में आया सबको प्रॉपर वे में आपके एरिया में होता है आपके एरिया में होता है सो आप क्या क्या करेंगे जैसे आप पहली बार तो अवेयरनेस फैलाएंगे साइबर सेल को अलर्ट करेंगे कि वो इस चीज के लिए लग जाए ठीक है लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि दे यू विल सॉल्व द केसेस एंड एक्चुअली यू विल आपको सोल्व भी करने होंगे तभी विश्वास जो है जनरेट होगा साइबर अटैक के लिए एक आप एक थोड़ा सा ना मतलब एक्टिव हो जाएंगे तो वो लोग भी डर जाएंगे इस तरीके से हो लोगों से ये चीज बिलीव भी करी जाए कि भाई आप लोग अपनी इंफॉर्मेशन को कहीं शेयर ना करें ठीक है उन्हें ये भी रूमर ना फैलने दें कि आर्टिकल 19 जो है वोलेट नहीं हो रहा है आपका तो ये सारे पॉइंट जो है वो आपको उनके साथ शेयर करने लोग so क्वेश्चन में लगे हो मैं यहाँ पे पीछे वाला डिस्कस कर रही हूँ उनको सुनो पहले दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मीन्स वेन सॉफ्ट रॉक इज कवर्ड बाय द हार्ड रॉक फ्रॉम द अबोव देन विच रॉक कैन वी फॉर्म कौन सी रॉक बन सकती है वाई वाई डी वाई डी इट्स अनदर वन मैं कह रही हूँ कि जीगन जीगन इज द राइट आंसर क्योंकि जीगन के अंदर भी जो आपको रॉक्स दिखती है वो कुछ ऐसी होती है यानी कि ऊपर आपको हार्ड रॉक दिखती है और नीचे आपको सॉफ्ट रॉक दिखती है तो फिर क्यों नहीं आप इसे कहेंगे यारदंग तो बिल्कुल नहीं है तो क्या मार रहे हैं चलिए नहीं इस द इस राइट आंसर इज डी है आप लोगों का आंसर सी डी ही सही है मशरूम रॉक सही है आप देखो प्रॉपर वे में ये होती है जीगन देखो ऊपर जो ये रॉक आपको दिख रही है और नीचे जो रॉक दिख रही है ऊपर डेफिनेटली आपको हार्ड रॉक दिख रही होंगी ना जो कि अभी तक इरोड नहीं हुई है लेकिन यहाँ से सब इरोड हो गई है सॉफ्ट रॉक तो इसके चलते इसे आप सॉफ्ट रॉक कहेंगे फाइन हार्ड रॉक इज कवर्ड बाय सॉफ्ट रॉक यू कैन से बट बट आपको ऑप्शन में दोनों दिए गए हैं दोनों सही हैं ये जीगन जीगन भी और मशरूम भी वो आर राइट बट जब आपको ऑप्शन में दोनों दिए गए हैं फाइन तो उसके केस में जीगन का एक स्पेशल फीचर होता है कि इसको आप टेबल लाइक स्ट्रक्चर का नाम देते हो टेबल लाइक स्ट्रक्चर को ठीक है टेबल लाइक स्ट्रक्चर का आप इसे नाम देते हो तो आपको टेबल नहीं लग रही है जैसे वेडिंग की टेबल होती है बहुत बड़ी उस तरीके से ये वाली टेबल वैसी है तो अगर आपको दोनों सिचुएशन मिलती हैं और उसके अंदर अगर मिल जाता है टेबल लाइक स्ट्रक्चर सो डेफिनेटली वो जीगन होगा अगर कुछ नहीं मिल रहा है और ऑप्शंस दोनों में है सो उसके लिए डेफिनेटली आप मशरूम रूक्स जो है वो आप प्रॉपरली चुनेंगे फाइन ये समझ में आया सबको आप जो बात कर रहे हो यारदन की यारदंग जो होती है ना वो इस तरीके की होती है लाइक ऐसे करके एक रॉक हो गई फिर एक ऐसे हो गई ये हॉरीजेंटल होती है ये नीचे लेटी हुई रॉक्स होती हैं लाइक ऐसे करके फाइन और जो आप दूसरी पढ़ते हो आप मशरूम रॉक पढ़ते हो वो ऐसे करके ऐसे होती है ये वाली शेप होती है फाइन आई होप कि अभी ये प्रॉपर वे में आपको समझ आ जाएंगी चीजें सेलेक्ट द राइट स्टेटमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सोयल टाइप है सैंडी टू सैंडी लॉन्ग सॉइल का पी एच है न्यूट्रल टू सलाइट एल्कलाइन सॉइल के अंदर न्यूट्रेन्स है पुअर ऑर्गेनिक मैटर कॉन्टेंट सॉइल हैज लो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ठीक है ये सारी चीजें ये सारे फीचर्स है चीज़ की सो ये कैरेक्टरस्टिक्स रिजेंबल so, करते हैं किस टाइप के फॉरेस्ट को किस टाइप के फॉरेस्ट की आप लोग बात कर रहे हो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कोल्ड डेजर्ट डेसीडस फॉरेस्ट या फिर मैंग्रूव फॉरेस्ट बताइए एक बार गाइज़ ज्योग्राफ़ी का कोर्स रेगुलर चल रहा है आपका इन पर फ्री क्लास है एंड आज दो क्लास है जोग्राफी की एक क्लास के अंदर आप जो है 5:45 के अंदर एम करेंगे फिजिकल जोग्राफी के और एक क्लास है 7 पी जिसके अंदर आप एक नया चैप्टर स्टार्ट करोगे दैट इज़ अ क्लाइमेटोलॉजी फाइन इकोनॉमिक्स भी वहाँ पर हम कर रहे हैं इन द टाइमिंग इज़ अ फोर पी इकोनॉमिक्स के लिए

ठीक है इससे भी काफी नीचे जो है टेम्परेचर वहां का चला जाता है इनसिग्निफिकेंट मॉनसूनल एनुअल रेनफॉल जो होती है चार सौ एमएम से बहुत कम होती है हैवी स्नोफॉल होती है नवंबर और मार्च के टाइम में तो वो एरिया होता है जो कि इससे आप कोल्ड और टेम्परेट uh, डेजर्ट जो है आप उसे बोलते हैं ठीक है फाइन तो ये सब चीजें हैं इसकी थोड़ा बेसिक हो जाए अल्कलाइन मीन्स पी एच लेवल से पी एच लेवल से न्यूट्रल से थोड़ा सा अल्कलाइन यानी कि ऊपर की तरफ चला जाए थोड़ा एसिडिक होगा जब उसे बोलेंगे अल्कलाइन बेसिक नहीं अल्कलाइन जो एसिडिक के लेवल पे आप चले जाओगे नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन सॉइल टाइप अगर सैंडी टू सैंडी लॉम है पी एच न्यूट्रल टू अल्कलाइन है पुअर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट है ड्यू टू अफोरसेड एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में ग्रोथ जो वेजिटेशन की वो बहुत स्लो होती है और स्लेंटेड नेचर उनका होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिलहाल जो कानून है वो आपका वोलेट हुआ है द कंटेंट दैट वोलेट्स एनी लो एनी लो इन फोर्स इन इंडिया ठीक है कंटेंट जो वोलेट करता है किसी भी कानून को फोर्स इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द लो अनलॉफुल कंटेंट नॉर्मली अगर हम संविधान में देखें तो संविधान में ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये पर्टिकुलर जो चीज़ है वो अनलॉफुल है और अनलॉफुल कंटेंट है ठीक है संविधान में ऐसा कुछ भी मेंशन इसके बारे में नहीं किया गया है लेकिन आपके लॉ ने डिसाइड किया है कि किस किस एरिया को आप जो है अनलॉफुल कहेंगे वो बताओ अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट अगेंस्ट द फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरन स्टेट कंटेंट एम्ड डिस्टर्बिंग पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्बिंग कम्यूनल हार्मनी वन थ्री टू थ्री फोर वन फोर ओला ट्रो बताओ जल्दी डू आंसर ओके यू आर सेइंग डी फाइन अच्छे से पढ़ लेना कोई वर्ड मिसिंग ना हो चलिए दी इज द राइट आंसर ओला ट्रू इज़ द राइट आंसर अगर आप सरकार की सिक्योरिटी के खिलाफ जाते हो उसके खिलाफ बोलते हो सो so डेफिनेटली वो अनलॉफुल होगा अगर आप फॉरेन रिलेशन के साथ फ्रेंडली रिलेशन बने हुए हैं उसके खिलाफ कुछ बोल रहे हो तो वो आपका फ्रेंडली वो आपका जो है अनलॉफुल कंटेंट रहेगा अगर आपका उद्देश्य है कि पब्लिक ऑर्डर को आप डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं और उड़दंग मचा रहे हैं वो सब चीज़ हो रहे हैं सो भी ओला ट्रू रहेगा डिस्टर्बिंग अगर कम्यूनल हार्मोनी को डिस्टर्ब कर रहे तो भी रहेगा तो ये सारे कुछ पॉइंट हैं जैसे आप यहां देखो सोवराइनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया डिफेंस ऑफ इंडिया एंड एम डेट डिस्टर्बिंग पब्लिक ऑर्डर और ये सारी चीजें हैं जो इसके अंदर आप इंक्लूड करने लगेंगे एक बार बताइए क्वेश्चन को समझ में आ रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चन आर अंडरस्टैंड टू यू अंडरस्टैंड हो रहे हैं सभी लिखकर बताइए अंडरस्टैंड और अभी तक अगर किसी ने लाइक नहीं किया है सो डू इट नाउ जल्दी से इसको लिख दीजिए वेलकम आविक एवरीवन चलो मूविंग अहेड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लेयर्स ऑफ द अर्थ जो अर्थ की लेयर्स आती है ना उसके बारे में अभी थोड़ा सा हम बात करते हैं ये एक जो क्वेश्चन मैं ज्योग्राफी के ले रही हूँ वो आपके फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन है और उन्हीं उसी तरीके से आपके एमसीक्यू की क्लास होगी 545 आज भी होगी तो ये बताओ द अपर मोस्ट लेयर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ द सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम सेकंड लेयर इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड आयरन थर्ड लेयर मेनली कंपोज ऑफ निकल एन फेरसन एन टू वन एन थ्री टू एंड थ्री ओल ए क्या होगा सही आपका जवाब लेयर्स ऑफ द अर्थ के बारे में आप बात करो ओके बी और डी आप लोग कह रहे हो ग्रेट एनी अदर डी चलो अब अगर मैं सेकेंड लेयर की बात करती हूँ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंड लेयर तो सिलिका और आयरन आता है कि सिलिका और मैग्नीशियम आता है सेकेंड लेयर के अंदर सिलिका और मैग्नीशियम आता है जिसकी वजह से जो ओशन के अंदर मैग्नीशियम रिलीज होता है मैग्नीशियम एक हैवी मेटल है एक आयरन uh, का जो मेटल uh, है मैग्नीशियम है जिसकी वजह से ओशनिक जो बेड होती है वो आपकी हैवी हो जाती है क्योंकि उसके ऊपर वही रिलीज होता है ठीक है हाँ सियाल, सीमा और निफे इस तरीके से याद करो थर्ड लेयर में निफे है निकल और फेरस आ, फेरस है सियाल और सिलिका और एलमोनियम है सिलिका और मैग्नीशियम है तो इस तरीके से याद रखिए ना इसको यहां से इसे पढ़ लेना अगर हम इस इमेज के अंदर देखें तो ये वाला जो पोर्शन है वहां पर आपको सियाल मिलेगा दिस वन पोर्शन में भी आपको जो है सीमा जो है देखने को मिल जाएगा और बेसिकली आपका ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर आपको सीमा देखने को मिलेगा एंड uh, इस वाले पोर्शन के अंदर दिस वन तो आपको यहाँ पे निफे जो है वो मिल जाएगा फाइन ये सब कंटिन्यूटीज हैं जैसे मोहरोविक होगी रेपिटी होगी गुटैनबर्ग होगी लेमन होगी ये सारी डिसकिनिटी है जो कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जब वेव्स ट्रैवल करती हैं तब ये बनाती है नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएचआरसी से रिलेटेड से रिलेटेड ह्यूमन राइट काउंसिल इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी विद इन यूनाइटेड नेशन सिस्टम इट वॉज फाउंडेड इन टू इट इन्वेस्टिगेट एलिगेशन ऑफ ब्रीचेज ऑफ ह्यूमन राइट इन यू एन स्टेट तो बताइए क्या सही होगा आंसर बट विलेटेड इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंदर आती है और क्या ये 2014 में बनी थी क्या इसके एलिगेशन ब्रीच कर देते ह्यूमन राइट right को यूएन के अंदर C one and three, D all are true okay आंसर आंसर सी वन एंड थ्री डी and ट्रू जो है वो सही है यूनाइटेड के अंदर ये जो चीज है वो गलत है एंड इट इन्वेस्टिगेट करता है एलिगेशन ऑफ ब्रीचेस ऑफ ह्यूमन राइट इन यूएन मेंबर में स्टेट ये क्लोजली uh, जो हाई कमिश्नर के साथ काम करता है ह्यूमन राइट right के साथ एड्रेस करता है इम्पोर्टेंट जो थीमेटिक ह्यूमन राइट है जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट right हो गया और वुमेंस का राइट right हो गया एल के इन सब के राइट्स जो है ये इसने ही uh, एन एच आर सी ने ही सॉल्व किए हैं साथ के साथ अगर अभी हम बात करते हैं कि इंटरनेट बंद होना और उस सब चीज़ों के लिए क्या वो भी uh, क्या वो भी जो है आपका uh, इसमें आता है एन ने बोला था कि यू कुड नॉट ऑफ द इंटरनेट वो आपका राइट right है बट इंडिया की गवर्नमेंट ने नहीं माना तो इसका मतलब ये हो गया यू का जो भी गाइडलाइंस होती हैं वो लीगली बाइंडिंग नहीं करती फाइन तो वहाँ से हमें इस टॉपिक को क्लियर हो गया तो चलिए आज के क्वेश्चन से इतने एंड आई जस्ट होप कि आप लोगों ने अच्छे से समझे होंगे इनको एंड फाउंडेशन uh, क्या फाउंडेशन इन्वेस्टिगेट करती है बस और कुछ नहीं है एल के राइट और यू मेंबर के अंदर उनकी एलिगेशन उनके खिलाफ करती है अगर कोई ब्रेक करता है तो फाइन आई जस्ट होप कि आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर वे में आंसर्स जो है समझ में आए होंगे एंड uh, हाँ 2014 uh, गलत है आई थिंक ये 1973 के अंदर बना होगा आई थिंक सो तो वो वाली चीज़ यहाँ से गलत हो जाती है फाइन चलिए एंड राइज शेयरिंग ज़रूर कर दिया कीजिए ताकि आप लोगों के फ्रेंड्स जो हैं वो अपने साथ ऐड हो जाएं मैं आपको क्वेश्चंस देती हूँ आप लोग क्वेश्चंस नहीं लिखते हो ठीक है सो आपके लिए आज का क्वेश्चन सिर्फ इतना है तो आप लोग ये बताएंगे कि आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं मीन्स यू आर एबल टू आंसर यू आर ग्रोइंग और नॉट ग्रोइंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो वो आप लोगों ने बताना है एक बार के लिए फाइन एंड इस रिक्वेस्ट कि आप लिख कर जाएंगे एंड कि आपकी ग्रोथ हुई है आप एलिमिनेट करने में पॉसिबल आप हो पाए हो कि नहीं हो पाए हो वो सारी चीज़ आपने लिख कर जानी है ओके अंकित टीपू एंड प्रिंस किरण राधा विश्वजीत आप लोग प्लीज़ लिखिएगा एंड अन uh, अकेडमी पर आप फॉलो कर लीजिए वहाँ पर आपको हर अच्छी से अच्छी क्लास जो है वो उसकी अपडेट्स मिल जाएंगी ऑनलाइन ऑन टाइम तो फॉलो ज़रूर कर लेना फाइन चलिए तो आज की क्वेश्चन को करते हैं यहीं पर ही हम एंड अभी आप जल्दी से लाइक like कर दो शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को वन एंड ओनली दैट इज अ स्टडी आई एस ठीक है स्टडी आई एस को आप फेसबुक टेलीग्राम इंस्टाग्राम हर जगह ऐसे आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड कर भी लीजिए डेफिनेटली टेलीग्राम पे आप इसे ज्वाइन करो स्टडी आई सर्च करोगे आपको मिल जाएगा अदरवाइज इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है एंड अभी आपने आंसर करके जाना है कि आप कितने अच्छे से आ, आ, ए, मतलब कर पाए हो राधा अभी क्लास के बाद कमेंट सेक्शन ओपन होगा आपको उसमें करना है ठीक है तो एक बार मेंशन कर दीजिए कि आप अच्छे से एलिमिनेट कर पाए हो कि नहीं कर पाए हो वो सब चीज़ें थैंक यू सो मच फॉर द क्लासेस हैव एन नाइस डे अब जल्दी अन अकेडमी पर बहुत सी क्लासेस के साथ मिल जाते हैं